नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा, सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा, दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी 5G टेस्ट बेड उन्नत प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में स्वदेश निर्मित नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड भी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अवैध रूप से वीजा दिलाने में विदेशी नागरिकों की सहायता के आरोप में कांग्रेस सांसद कार्ति पे चिदम्बरम के परिसरों पर छापे मारे। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 20 जिलों में 7 लोगों की मौत, 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। प्रतिष्ठित कान फिल्मोत्सव आज से फ्रांस में शुरू, भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया। स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने का फैसला किया। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की 3 खिलाड़ियों ने मुकाबले जीतकर देश के लिए पदक सुनिश्चित किए। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा। और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। दोपहर समाचार में अलका सिंह के साथ मैं कनकलता। देश के 75वें स्वाधीनता दिवस समारोह के उपलक्ष्य में आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत सरकार अनेक गतिविधियों का आयोजन कर रही है। इस अवसर को जन उत्सव के रूप में मनाते हुए आकाशवाणी समाचार स्वाधीनता संग्राम और उसके गौरवशाली इतिहास पर विशेष प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रसारित कर रहा है। अमृत महोत्सव को इसका कल का प्रश्न था, उस क्रांतिकारी का नाम बताएं जिन्होंने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के सेलुलर जेल में कारावास के दौरान बंदी जीवन पुस्तक की रचना की थी। इस प्रश्न का सही उत्तर है सचिंद्रनाथ सान्याल। आकाशवाणी समाचार को बड़ी संख्या में देश विदेश के श्रोताओं से इस प्रश्न का उत्तर मिला है। भाग्यशाली विजेता हैं छत्तीसगढ़ में जसपुर नगर जिले के गुरकुरी गांव के सुधीर टोपो। मैं सुधीर टोपो, जिला जसपुर नगर छत्तीसगढ़। मैं अपने सभी देशवासियों को आजादी के 75वीं वर्षगांठ पर ढेर सारी बधाइयां एवं शुभकामनाएं देता हूं, विशेषकर आकाशवाणी के परिवार को जिसने अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया, जिसके माध्यम से हम अपने सभी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानियों को जान पाते हैं। जय हिंद, जय भारत। और अब अमृत महोत्सव क्विज का 80वां प्रश्न। आज का प्रश्न है, उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। श्रोता अपने उत्तर व्हाट्सएप नंबर 8826546262 पर भेज सकते हैं या हमें इस पते पर ईमेल कर सकते हैं amritmahotsavquiz@prasarbharti.gov.in। एक भाग्यशाली प्रतिभागी को विजेता चुना जाएगा और कल के समाचार प्रभात में उनके नाम की घोषणा की जाएगी। विजेता को ई प्रमाण पत्र और पुरस्कार दिया जाएगा। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाने के पंचामृत के साथ दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया है। श्री मोदी ने आज नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण ट्राई के रजत जयंती समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि देश का दूरसंचार क्षेत्र आत्मनिर्भरता का उदाहरण है।
उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी 21वीं सदी में देश के विकास की गति तय करेगी। इस अवसर पर श्री मोदी ने 5G टेस्ट बेड का शुभारंभ किया और कहा कि स्वदेश में निर्मित यह टेस्ट बेड दूर संचार के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण कदम है। मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी साथियों को, हमारे IITs को बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथ ही मैं देश के युवा साथियों को, रिसर्चर्स और कंपनीज को आमंत्रित करता हूं कि वो टेस्टिंग फैसिलिटी का उपयोग 5G टेक्नोलॉजी के निर्माण के लिए करें। विशेष रूप से हमारे स्टार्टअप्स के लिए अपने प्रोडक्ट टेस्ट करने का ये बहुत बड़ा अवसर है। यही नहीं, 5GI के रूप में जो देश का अपना 5G स्टैंडर्ड बनाया गया है, वो देश के लिए बहुत गर्व की बात है। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2G से निकलकर देश तेजी से 3G से 4G के दौर में आया और अब 5G की ओर बढ़ गया है और इस दशक के अंत तक 6G प्रौद्योगिकी को शुरू करने में कामयाब होगा। इसके लिए कार्यबल ने काम करना शुरू कर दिया है। हमारा प्रयास है कि टेलीकॉम सेक्टर और 5G टेक्नोलॉजी में हमारे स्टार्टअप तेजी से तैयार हो, ग्लोबल चैंपियन बने। हम अनेक सेक्टर्स में दुनिया के एक बड़े डिजाइन पावर हाउस है। टेलीकॉम इक्विपमेंट मार्केट में भी भारत के डिजाइन चैंपियंस का सामर्थ्य हम सभी जानते हैं। इसके लिए जरूरी R&D इंफ्रास्ट्रक्चर और प्रक्रियाओं को आसान बनाने पर हमारा विशेष फोकस है और इसमें आप सबकी भी बहुत बड़ी भूमिका है। इस अवसर पर संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि देश ने 4G को विकसित करने का चरण पूरा कर लिया है जबकि 5G प्रौद्योगिकी उन्नत चरण में है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि इस साल के अंत तक स्वदेशी 5G प्रौद्योगिकी पूरी तरह लागू कर दी जाएगी। टुडे आवर साइंटिस्ट्स एंड इंजीनियर्स हैव डेवलप्ड अ कंप्लीट 4G टेक्नोलॉजी स्टैक व्हिच इज रेडी फॉर डिप्लॉयमेंट बाय BSNL एंड द 5G टेक्नोलॉजी स्टैक इज ऑल्सो इन वेरी गुड एडवांस्ड स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। बाय द एंड ऑफ दिस ईयर वी शुड सी आवर ओन इंडिजिनियसली डेवलप्ड 5G टेक्नोलॉजी स्टैक। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि ट्राई ने दूरसंचार और प्रसारण क्षेत्र के सेवा प्रदाताओं और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा के लिए लगातार काम किया है। डॉ मुरुगन ने कहा कि ट्राई आधुनिक भारतीय डिजिटल विनियमन का एक प्रमुख सूत्रधार है और डिजिटल इंडिया मिशन ने लाखों देशवासियों के जीवन को बदल दिया है। डॉ मुरुगन ने कहा कि पिछले 8 वर्ष में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आदर्श वाक्य ने डीडी फ्री डिश को 4.5 करोड़ से अधिक परिवारों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया है। सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा ने कहा कि प्रसारण क्षेत्र की पहुंच और दायरा व्यापक है और इससे बड़ी संख्या में रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कार्यक्रम के दौरान ट्राई के रजत जयंती समारोह के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट भी जारी किया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद कैरेबियाई देशों की यात्रा पर कल जमैका पहुंचे। राष्ट्रपति अपनी यात्रा के दूसरे दिन किंगस्टन में नेशनल हीरोज पार्क गए। श्री कोविंद मार्कस गार्विक की समाधि पर माल्यार्पण करने के बाद बर्डमेंट हाउस पहुंचे जहां उन्होंने जमैका के गवर्नर जनरल सर पैट्रिक एलन से भेंट की। राष्ट्रपति जमैका हाउस भी गए जहां प्रधानमंत्री एंड्रयू होलनेस ने उनका स्वागत किया। दोनों नेताओं ने भारत और जमैका के बीच व्यापार, निवेश, सेवा, खेल और क्षेत्रीय तथा बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग बढ़ाने पर बातचीत की। बैठक के बाद राष्ट्रपति कोविंद और प्रधानमंत्री होलनेस की उपस्थिति में सुषमा स्वराज विदेश सेवा संस्थान और जमैका के विदेश मंत्रालय तथा विदेश व्यापार के बीच राजनयिक प्रशिक्षण के क्षेत्र में सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए गए। इसके बाद राष्ट्रपति ने भारतीय समुदाय की उपस्थिति में आम्बेडकर एवेन्यू का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति ने कहा कि जमैका में भारतीय मूल के लोग हमारे सांस्कृतिक संबंधों की जड़ों को सुदृढ़ कर रहे हैं और बहुपक्षीय साझेदारी को समृद्ध बना रहे हैं।
Jamaican Indians strengthen the deep root of our cultural linkages and enrich our multifaceted partnership. The Indian diaspora is a living bridge between our two countries. It is a matter of pride for us that members of the Indian diaspora are recognized at the highest level for their contribution to Jamaica. We are very proud of the achievements of the Indian community in Jamaica. India's external engagement has undergone a sea change in the last few years. We have now brought the diaspora at the center stage of our action and engagement. रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि आने वाले वर्षों में भारत न केवल देश के लिए पोत का निर्माण करेगा बल्कि पूरी दुनिया की मांग को भी पूरा करेगा। आज मुंबई में स्वदेश निर्मित नौसैनिक जहाजों INS सूरत और INS उदयगिरी के जलावतरण कार्यक्रम में श्री सिंह ने नौसेना युद्ध आधारित प्रौद्योगिकियों के विकास में कई शताब्दियों की विशेषज्ञता में देश के लंबे इतिहास को याद किया। आज जब MDSL द्वारा निर्मित INS उदयगिरी और INS सूरत की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हो रही है तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि आने वाले समय में हम न केवल अपनी जरूरतों के लिए बल्कि दुनिया भर की जरूरतों के लिए भी शिप बिल्डिंग करेंगे, यानी हम न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर द वर्ल्ड के सपने को पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पक्का विश्वास है। रक्षा मंत्री ने कहा कि भारत एक मजबूत समृद्ध राष्ट्र के रूप में विकसित हो रहा है और एक वैश्विक शक्ति बनने की राह में है। श्री सिंह ने कहा कि सरकार का लक्ष्य न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड भी है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप newsonair पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूँ। तो रोका किसने है? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे? तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो 8700014242। ओ 8700014242। लो अभी फोन लगाता हूँ 8700014242 पर। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान की नेशनल असेंबली द्वारा पारित प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। पत्रकारों से बातचीत में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले भारतीय क्षेत्रों सहित देश के आंतरिक मामलों में पाकिस्तान को बोलने या हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख का पूरा क्षेत्र भारत का अभिन्न अंग था, है और रहेगा। उन्होंने कहा कि परिसीमन अभ्यास जम्मू कश्मीर में हितधारकों के परामर्श और भागीदारी के सिद्धांतों पर आधारित है और ये एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया है। उन्होंने खेद जताया कि पाकिस्तान अपने देश की चिंता करने की बजाय भारत के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करता रहा है। भारत ने दोहराया कि पाकिस्तान को जल्द सीमा पार आतंकवाद को समाप्त करने की दिशा में काम करना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने आज नई दिल्ली में अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए सभी पक्षकारों के साथ उच्चस्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। दो वर्ष बाद अमरनाथ यात्रा 30 जून से शुरू होकर 11 अगस्त को सम्पन्न होगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल, जम्मू कश्मीर के पुलिस प्रमुख दिलबाग सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों ने बैठक में भाग लिया। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नज़र। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड की शुरुआत की। श्री मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 8 वर्षों में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी 5G टेस्ट बेड उन्नत प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में स्वदेश निर्मित नौसेना के दो विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड भी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक की। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस से भेंट की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अवैध रूप से वीजा दिलाने में विदेशी नागरिकों की सहायता करने के आरोप में कांग्रेस सांसद कार्ती पी चिदम्बरम के परिसरों पर छापे मारे। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 20 जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। प्रतिष्ठित कान फिल्मोत्सव आज से फ्रांस में शुरू, भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया। स्वीडन ने नेटो में शामिल होने के लिए औपचारिक रूप से आवेदन करने का फैसला किया। इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की 3 खिलाड़ियों ने मुकाबले जीतकर देश के लिए पदक सुनिश्चित किए। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा और IPL क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI की टीम चेन्नई में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदम्बरम के पुत्र कार्ती पी चिदम्बरम के परिसरों की तलाशी ले रही है। चेन्नई के अलावा मुंबई और दिल्ली में भी कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। श्री कार्ती ने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें याद नहीं है कि कितनी बार उनके यहां छापेमारी की गई है। उनके पिता और पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी चिदम्बरम ने एक ट्वीट में छापेमारी की पुष्टि करते हुए कहा कि आज सुबह CBI की टीम ने प्राथमिकी के आधार पर उनके चेन्नई स्थित आवास और दिल्ली में उनके सरकारी आवास की तलाशी ली, जबकि प्राथमिकी में उनका नाम नहीं था। ट्वीट में कहा गया है कि छापों में CBI को कुछ भी नहीं मिला है और न ही कुछ जब्त किया गया। उत्तर प्रदेश में ज्ञानवापी मस्जिद का सर्वेक्षण करने वाले आयुक्तों ने वाराणसी सिविल अदालत से अपनी रिपोर्ट जमा करने के लिए 2 दिन और बढ़ाने का अनुरोध किया है। अदालत ने सर्वेक्षण दल को आज तक अपनी रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। सहायक आयुक्त अजय प्रताप सिंह ने अदालत में एक याचिका दायर कर ये मांग की। एक अन्य घटनाक्रम में सरकारी वकील ने अदालत से इस मामले में एक नया आयुक्त नियुक्त करने का अनुरोध किया है। सरकारी वकील ने अदालत से अपील की कि वजू वाले किए जाने वाले क्षेत्र को सील कर शौचालय को दूसरे स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जाए। इससे पहले अदालत द्वारा नियुक्त आयुक्तों ने कल ज्ञानवापी मस्जिद में वीडियोग्राफी सर्वेक्षण का काम पूरा कर लिया। देश में अब तक 191,48,00,000 से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कल 10,78,000 से अधिक टीके लगाए गए। देश में इस समय 16,400 लोगों का उपचार चल रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.75% है। आजादी का अमृत महोत्सव के अंतर्गत आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी की विशेष प्रस्तुति आजादी का सफर। आजादी का अमृत महोत्सव। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग। भारत का शानदार स्वाधीनता संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। आकाशवाणी से हम आपके लिए प्रतिदिन ला रहे हैं इस शानदार संघर्ष की झलक। आज सालबाई संधि की वर्षगांठ है। सालबाई संधि से प्रथम अंग्रेज मराठा युद्ध समाप्त हुआ था। उस संधि पर 17 मई 1782 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और मराठों ने हस्ताक्षर किए थे। सालबाई मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में है। मराठा शासक महादजी सिंधिया ने अक्टूबर 1781 में अंग्रेजों के साथ समझौता किया। इसके तहत सिंधिया संधि के बारे में पूना काउंसिल के साथ बातचीत करने के लिए सहमत हो गए।
संधि की शर्तों के अनुसार अंग्रेजों ने महाराष्ट्र का द्वीप सालसेट अपने पास रख लिया और महादजी सिंधिया को यमुना के पश्चिम में अपने सभी क्षेत्र वापस मिल गए। दोनों पक्षों ने दक्षिण भारत में युद्ध के दौरान जीते हुए एक दूसरे के क्षेत्र लौटा दिए। सालबाई की संधि भारत में इंग्लैंड के शासन के इतिहास में क्रांतिकारी मोड़ साबित हुई। अंग्रेजों को वैसे तो केवल सालसेट द्वीप ही मिला, लेकिन इस संधि से सिद्ध हो गया कि भारतीय शासक मिलकर कार्य नहीं करते और यहाँ तक कि मराठा शासकों में भी मतभेद है। इससे अंग्रेजों की हिम्मत बढ़ी कि उन्होंने उस समय के भारत में सबसे ताकतवर सत्ता पर पड़ा था। क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी महावीर सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। वे 17 मई 1939 को वीर गति को प्राप्त हुए थे। महावीर सिंह महान क्रांतिकारी स्वाधीनता सेनानी चंद्रशेखर आजाद और भगत सिंह के विश्वसनीय सहयोगी थे। महावीर सिंह का जन्म 1904 में उत्तर प्रदेश के एटा जिले में हुआ था। वे विद्यालय के दिनों से ही स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हो गए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में भाग लिया। 1925 में कानपुर कॉलेज में पढ़ाई के दौरान महावीर उस समय के अन्य युवा क्रांतिकारियों से मिले और हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य बन गए। महावीर 1927 में लाहौर चले गए और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय। सांडर्स हत्याकांड के संबंध में महावीर को गिरफ्तार कर लिया गया और द्वितीय लाहौर षड्यंत्र केस में उन पर मुकदमा चलाया गया, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु भी आरोपित थे। महावीर को आजीवन निष्कासन की सजा दी गई। अंडमान में उन्होंने सेलुलर जेल में खराब जीवन दशाओं और कैदियों के साथ अमानवीय व्यवहार के विरोध में आंदोलन किया। उन्होंने अपने अधिकारों के लिए भूख हड़ताल कर दी और इसके बाद क्रूरता का दंश झेलते हुए 17 मई 1939 को महावीर का निधन हो गया। इस महान क्रांतिकारी को शत शत नमन। आज हम स्वाधीनता सेनानी दौलत राव नाइक को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। ब्रिटिश पुलिस ने 17 मई 1879 को उनकी हत्या कर दी थी। दौलत राव रामोशी ग्रुप के सक्रिय सदस्य थे, जिसकी स्थापना महान मराठी स्वाधीनता सेनानी वासुदेव भड़के ने की। राव नाइक महाराष्ट्र के सतारा के थे। वे 1879 में बलवंत फड़के के रामोशी रिवोल्यूशनरी ग्रुप में शामिल हुए। उन्होंने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए ब्रिटिश कारोबारियों से धन जुटाने के कई अभियानों में भाग लिया। दौलत राव 17 मई 1879 को तालेगांव में ब्रिटिश पुलिस की गोली से मारे गए। वीर दौलत राव को शत शत नमन। हम शहीद शेर मोहम्मद खान को भी याद कर रहे हैं। उन्होंने 1857 में भारत के प्रथम स्वाधीनता संग्राम में हिस्सा लिया था। शेर मोहम्मद खान ने संपत्ति और हथियार कब्जाने के लिए ब्रिटिश ठिकानों पर हमलों के उद्देश्य से स्वाधीनता सेनानियों का समूह बनाया। मुठभेड़ के दौरान कंपनी सेना ने शेर मोहम्मद को पकड़ लिया और उन पर सरकारी संपत्ति लूटने तथा अंग्रेजों से विद्रोह करने के आरोप लगाए गए। उन्हें बेड़ियों में जकड़कर सश्रम और आजीवन कारावास की सजा दी गई। 17 मई 1858 को अंडमान की सेलुलर जेल में शेर मोहम्मद खान की मौत हो गई। आकाशवाणी की ओर से उन्हें नमन। आज बस इतना ही। आजादी का सफर आकाशवाणी के संग कल फिर मिलेंगे नई कड़ी के साथ।
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। कंपटीशन की अगर आप कर रहे हैं तैयारी तो उनके लिए ऑल इंडिया रेडियो पर हम लाए हैं अभ्यास, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें आप पूछेंगे सवाल व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर या फिर ईमेल करेंगे abhyas.airnews@gmail.com पर और हमारे विशेषज्ञ देंगे इसका जवाब। इस बार का विषय है एंथ्रोपोलॉजी और सवाल भेजने की अंतिम तारीख है 18 मई। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। ये आकाशवाणी है। स्वीडन ने पड़ोसी देश फिनलैंड के रास्ते पर चलते हुए नेटो में शामिल होने का फैसला किया है और वो इसके लिए औपचारिक रूप से आवेदन करेगा। यूक्रेन पर रूसी हमले के मद्देनजर फिनलैंड और स्वीडन ने तटस्थ रहने के अपने रुख में बदलाव किया है। नेटो के महासचिव जेंस स्टोल्टनबर्ग ने कहा कि गठबंधन में नॉर्डिक देशों का स्वागत किया जाएगा। प्रतिष्ठित कान फिल्म महोत्सव 2022 आज से फ्रांस में शुरू हो रहा है और 28 मई तक चलेगा। 75वें कान फिल्म महोत्सव के रेड कार्पेट कार्यक्रम में भारतीय प्रतिनिधिमंडल में सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर सहित संगीतकार एआर रहमान और नवाजुद्दीन सिद्दीकी सहित कई फिल्मी हस्तियां शामिल होंगी। महोत्सव में भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया है। ये पहली बार है जब किसी देश को इस तरह का सम्मान दिया गया है। भारत को गोज टू कान सेक्शन में 5 चयनित फिल्मों को प्रदर्शित करने का अवसर दिया गया है। असम में लगातार वर्षा से नए क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। कृषि भूमि के साथ साथ आवासीय क्षेत्रों में भी पानी भर गया है। 20 जिलों के 2 लाख से अधिक लोग बाढ़ की चपेट में हैं। बाढ़ और भूस्खलन के कारण 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि कछार जिले में 6 लोग लापता हैं। 6,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं। मौसम विभाग ने उत्तर केरल के 4 जिलों मल्लापुरम, कोझिकोड, कन्नूर और कासरगोड में अत्यधिक तेज वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मछुआरों को समुद्र में न जाने की सलाह दी गई है। इस्तांबुल में 12वीं महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारतीय मुक्केबाजों निखत जरीन, मनीषा और परवीन ने सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के लिए 3 पदक पक्के कर लिए हैं। 12वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज भोपाल में ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा। आईपीएल क्रिकेट में आज मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। ये मैच शाम 7:30 बजे शुरू होगा। बुलेटिन समाप्त होने से पहले अमृत महोत्सव क्विज का आज का प्रश्न फिर सुन लें। उस स्वतंत्रता सेनानी का नाम बताएं जो मैसूर के गांधी के नाम से लोकप्रिय थे। उन्होंने अस्पृश्यता उन्मूलन की वकालत की और 1925 में खद्दर सहकार संघ की शुरुआत की। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ट्राई के रजत जयंती समारोह में 5G टेस्ट बेड की शुरूआत की। श्री मोदी ने कहा सरकार ने पिछले 8 वर्ष में विस्तार, सुधार, विनियमन, जवाबदेही और क्रांति लाकर दूरसंचार क्षेत्र में नई ऊर्जा का संचार किया। प्रधानमंत्री ने कहा दूरसंचार क्षेत्र में स्वदेशी 5G टेस्टबेड उन्नत प्रौद्योगिकी देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुंबई में स्वदेश निर्मित नौसेना के 2 विध्वंसक युद्धपोत INS सूरत और उदयगिरी का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा सरकार का लक्ष्य न केवल मेक इन इंडिया बल्कि मेक फॉर वर्ल्ड भी है। भारत ने जम्मू कश्मीर में परिसीमन अभ्यास पर पाकिस्तान नेशनल असेंबली के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से खारिज किया। गृहमंत्री अमित शाह ने अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा तैयारियों की समीक्षा के लिए उच्चस्तरीय बैठक की। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो ने अवैध रूप से वीजा दिलाने में विदेशी नागरिकों की सहायता के आरोप में कांग्रेस सांसद कार्ति पी चिदम्बरम के परिसरों पर छापे मारे। असम में बाढ़ और भूस्खलन से 20 जिलों में 7 लोगों की मौत हो गई, 2 लाख से अधिक लोग प्रभावित हुए। प्रतिष्ठित कान फिल्मोत्सव आज से फ्रांस में शुरू। भारत को सम्मानित देश का दर्जा दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने जमैका के प्रधानमंत्री एंड्रू होलनेस से मुलाकात की। दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा की।
इस्तांबुल में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में भारत की तीन खिलाड़ियों ने मुकाबले जीतकर देश के लिए पदक सुनिश्चित किए। भोपाल में हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप के फाइनल में आज ओडिशा का मुकाबला कर्नाटक से होगा और आईपीएल क्रिकेट में आज शाम मुंबई इंडियंस का सामना सनराइजर्स हैदराबाद से। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।